हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में देखेंगे अगर आप डिलॉयट में एसोसिएट एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पूरी ए टू जेड एक एक चीज़ में डिस्कस करूँगा कि डिलॉयट में एसोसिएट एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, कौन कौन से इंटरव्यू एलिजिबिलिटी वगैरह सब, ठीक है। और फटाफट डिस्कस करूँगा जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है डिलॉयट का एसोसिएट एनालिस्ट। तो सबसे पहले जब मैं डिलॉयट के एसोसिएट एनालिस्ट की बात करूं तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि दो डिलॉयट हैं, एक है डिलॉयट कौन सी, इंडिया, ठीक है। एक है डिलॉयट यूएसआई, मतलब यूएस ऑफिस ऑफ इंडिया। तो जब मैं डिलॉयट के एसोसिएट एनालिस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं डिलॉयट यूएसआई, इंडिया वाले की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं डिलॉयट यूएस ऑफिस ऑफ इंडिया की। ये भी है इंडिया में ही, बस नाम यूएस ऑफिस ऑफ इंडिया, क्योंकि यूएस की एंटिटी के लिए इसमें वर्क होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी कब आप एलिजिबल होगे। देखो, अगर आप बीएससी करे हुए हो, अगर आप बीसीए करे हुए हो तो आप एसोसिएट एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है। या तो आपने बीएससी करी हुई है या आपने बीसीए किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, तो हम एलिजिबल हैं, ठीक है। हायर कैसे निकलती है, इसकी हायरिंग निकलती है रेफरल्स के थ्रू भी निकलती है, ठीक है, रेफरल के थ्रू भी निकलेगी, ऑफ कैंपस भी निकलती है, ठीक है, ऑफ कैंपस निकलती है। रेफरल के थ्रू मतलब क्या होता है कि आप एक हायरिंग पोस्ट आपको मिलेगी, या तो आप लिंक्डइन पे जाओगे या कहीं जाओगे, मतलब वहाँ पर आपको लिंक नहीं मिलेगी, आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको किसी से रेफरल लेना पड़ेगा। दूसरा है ऑफ कैंपस, इसमें ऑफ कैंपस की निकलती है, आप सीधे करियर पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तीसरा मेथड है ऑन कैंपस, ठीक है। तो ये आपके तीन मेथड होते हैं, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब चलो, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब पैटर्न तो देखो, पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा केस स्टडी बेस्ड इंटरव्यू, ठीक है, फिर आपका ये होगा। चलो, अब एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और केस स्टडी बेस्ड इंटरव्यू, ये दो चीज़ें हमें समझ में आ गई कि ये होगा। अब लेकिन इसमें फॉर्मेट क्या होगा, वो भी पता लगाना ज़रूरी है, तो वो भी अपन पता लगा लेते हैं कि भाई फॉर्मेट क्या होने वाला है ना। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे अपन एप्टीट्यूड की। तो जब मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूं, ठीक है, जब मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूं, तो एप्टीट्यूड टेस्ट जब आपका होगा तो उसमें क्या होने वाला है, उसमें अब आप बात ध्यान से सुनना, आपको 14 क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश के, 14 क्वेश्चंस मिलेंगे रीजनिंग के, सॉरी यहाँ 22 हैं, 22 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के, 14 रीजनिंग के और 14 मिलेंगे आपको मैथ्स के, ठीक है। ये आपका पैटर्न होने वाला है, अभी नए पैटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाद में चेंज हो जाता है पता नहीं, अभी तो ऐसे ही चल रहा है, आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में आएगा, 22 इंग्लिश के, 14 रीजनिंग के, 14 मैथ्स के हैं। इंग्लिश वाला पोर्शन मैं कहूँगा मीडियम डिफ़िकल्टी आपको मिल सकता है, मीडियम, ठीक है। रीजनिंग वाला पोर्शन आपका इजी टू मीडियम रहने वाला है, और जो आपका मैथ्स सेक्शन होगा, मुझे तो भाई इजी ही लगा, ठीक है, तो इजी सेक्शन आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कब हम क्रैक कर सकते हैं, मतलब क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी ये समझ लो, देखो अब मैं ऐसे बता तो नहीं सकता, लेकिन तब भी एक एस्टीमेट ये है कि अगर आप रीजनिंग में अगर आप 11-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, मैथ्स में भी आप लगभग यही 11-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और इंग्लिश में अगर आप कर लो 15 क्वेश्चन के +2 या -2, ठीक है, 15 क्वेश्चन +2 या -2, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी उम्मीदें बन जाती हैं, ठीक है। अगर आप जैसे इससे ऊपर कर लेते हो तो फिर ठीक है, आपका चांस हो ही जाएगा कंफर्म। +2 -2 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार इंग्लिश वाला पोर्शन क्या है ना, काफ़ी बार डिपेंड करता है, कभी इंग्लिश की डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा भी आ जाती है, तो वो उस हिसाब से ऊपर नीचे इसका कट ऑफ वेरी कर सकता है, ठीक है। तो लगभग ऐसा कुछ रहेगा, तो आप समझ सकते हो कि हाँ भाई, आपके चांसेस बन रहे हैं एप्टीट्यूड क्लियर करने के, ठीक है। अब जब आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो गया,
अब एप्टीट्यूड क्लियर होने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास एप्टीट्यूड क्लियर हो गया। जब एप्टीट्यूड आपका क्लियर हो जाएगा तो आप पे लिंक आएगी केस स्टडी बेस्ड राउंड के इंटरव्यू की, ठीक है। केस स्टडी, तो इसको थोड़ा सा ढंग से डिटेल में समझ लेते हैं। इंटरव्यू राउंड के लिए थोड़ी सी स्पेस देते हैं। इंटरव्यू राउंड अपन का कैसे कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने एक रेज्यूम तो सबमिट करोगे ही, ठीक है, जब कंपनी में अप्लाई करोगे। तो ये राउंड बेसिकली बेसिकली अगर अगर वो आपसे केस स्टडी से हट के पूछते हैं तो ऑल अराउंड किस पे होगा, आपके रेज्यूम पे, ठीक है। आपका रेज्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो आप जो रेज्यूम में लिखो केयरफुली, आपको उसकी हर चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने रेज्यूम में प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं तो ध्यान रहे कि आपको प्रोजेक्ट्स के अराउंड क्वेश्चंस कुछ केस दे के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मतलब बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है। अब बैंकिंग सिस्टम से आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन हो सकता है वो बैंकिंग सिस्टम के क्वेश्चन ना पूछे। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको चाहिए हो, मैं अभी आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो वो कह सकते हैं कि जैसे आपने इसमें बैंकिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, क्या उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके ऊपर नीचे करके रेलवे सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई, प्रोजेक्ट्स की पूछ सकते हैं। आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं बिहेवियल, ठीक है, बिहेवियल क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछने वाले हैं। बिहेवियल क्वेश्चन क्या होते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन, ओके, अगर आपका कोई टीम वर्क नहीं कर रहा है साथी तो आप क्या करोगे, सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे, ये आपके बिहेवियल क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब जो मेन चीज़ मैं बात करने वाला हूँ वो है केस स्टडी, ठीक है। टेक्निकल पे भी मैं आऊँगा, केस स्टडी, केस स्टडी में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपके आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप चाहे हो तो देख सकते हो। वैसी ही केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर केस स्टडी में क्या हो सकता है, जैसे कि काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं सॉफ्ट, मतलब आपसे ज़्यादातर आप एसोसिएट एनालिस्ट के लिए दे रहे हो तो कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा चांस होता है आपकी केस स्टडी पूछी जाएगी। दूसरी चीज़ों पर भी पूछी जा सकती है लेकिन उनके चांस थोड़े कम होते हैं। तो केस स्टडी में आपसे कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि मान लो कि आपको कोई हॉस्पिटल सिस्टम बनाना है, हॉस्पिटल सिस्टम बनाना है आपको, तो आप क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करोगे, ठीक है। हॉस्पिटल सिस्टम अगर आपको बनाना है तो क्या क्या चीज़ें आप डिज़ाइन करोगे। अगर किसी वेब पेज, अगर आपको किसी एक वेब पेज है जिसको आपको एक्चुअली, मतलब जैसे किसी कंपनी का मान लो रिटेल स्टोर है, ठीक है, कोई स्टोर है कंपनी का, अगर आपको उसको वेब पेज में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। आपसे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, मतलब केस स्टडी चीज़ में, मतलब जैसे कि आप क्या क्या टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, क्या क्या टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो अगर आपको कुछ ऐप वगैरह दी जाए, ठीक है, ये चीज़ आपसे केस स्टडी में पूछी जा सकती है। या फिर अगर आपको किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, मान लिया कि आपको मशीन लर्निंग काफ़ी अच्छे से आती है, ठीक है, तो आपको उसके बेस पे केस स्टडी दी जा सकती है कि जैसे कोई एक ऐसा सिचुएशन बताओ, एक कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जहाँ पर आज तक ML यूज़ नहीं हुई है और आप उसको कैसे यूज़ करोगे, उसके क्या बेनिफिट है, ठीक है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में हो, ठीक है, तो आप पे वेब डेवलपमेंट में पूछा जा सकता है कि कोई 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 फील्ड बताओ, ठीक है, कोई फील्ड बताओ जिस पे आप वेब डेवलपमेंट करके उसको और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं केस स्टडी राउंड में, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन 5% उम्मीद है कि आपसे पूछे जाएंगे। अगर टेक्निकल क्वेश्चन, अगर जैसे आपने C++ या SQL वगैरह लिखी है, पूछे जा सकते हैं, 10% चांस हैं, 10% 5 नहीं 10% चांस है। क्या पूछे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन वगैरह। अगर आपने ज़्यादा एम्फेसाइज दे रखा है अपने रेज्यूमे पे, अगर आपने ज़्यादा प्रोजेक्ट बना रखे हैं C++ SQL वगैरह पे, जैसे SQL से पूछ लिया कि कैंडिडेट की क्या होती है, ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये इस टाइप से, ठीक है, क्वेश्चन SQL से पूछे जा सकते हैं। C++ से आपका पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। कोड लिखवाए जाने की उम्मीद काफ़ी कम है, अगर लिखवाते भी हैं तो बहुत छोटा कोई पैटर्न टाइप स्वैपिंग या फिर इस टाइप का कोई कोड पूछा जा सकता है। बेसिकली आपका ये इंटरव्यू चलने वाला है 20 से 30 मिनट, ये 20 से 30 मिनट आपका राउंड होगा, जिसमें आपसे केस स्टडी भी पूछ लेंगे, बिहेवियल क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, और अगर उन्हें ऐसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेंगे। ये फाइनल राउंड होता है, ठीक है, फाइनल राउंड, बस इतना ही प्रोसीजर है। और अगर इसमें आप क्रैक कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए हो वीडियो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ, जस्ट आपको सजेस्ट करना पड़ेगा, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, तो आप बता देना।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप डेलॉइट में कैसे सेलेक्ट हो सकते हो. ठीक है, आई होप यू विल लाइक इट.